आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही वाइड टॉपिक है, डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन सेल किए जाते हैं और कुछ लोगों को ये लगता है कि यार इन कोर्स को खरीदने के बाद हम बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए कमाने लग जाएंगे। हालांकि ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन जब आप कोर्स ले रहे होते हैं तो आपको एक्चुअल में ये पता होना जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और इसके अंदर काम क्या करना पड़ता है, और इससे अगर आप पैसे कमाएंगे तो कमाने का जरिया क्या क्या होगा। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगी योगेंद्र और आप देख रहे हैं क्रिएटर गाइड। देखिए डिजिटल मार्केटिंग, अब अगर इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से समझे तो हम समझ जाएंगे कि ऐसी डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, टैब हो गया, इनको यूज करते हुए मार्केटिंग करना ही डिजिटल मार्केटिंग है। हालांकि इसका टेक्निकल जो समरी है वो कुछ और हो सकता है, बट सरल भाषा में यही इसको माना जाएगा। यानी इंटरनेट के थ्रू आप जो मार्केटिंग करते हैं उसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें मार्केटिंग को ही समझना पड़ेगा, और मार्केटिंग के दो ही तरीके हैं कि अपना कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस कस्टमर तक पहुंचाना, रीच करना और लीड्स जनरेट करके सेल को बढ़ाना, इसी के लिए मार्केटिंग की जाती है। पहले के जमानों में ट्रेडिशनल तरीके से की जाती थी, जब से डिजिटल दुनिया आई है तो डिजिटल तरीके से की जाती है। अब ये दो तरीके से बेसिकली होती है, एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है इनऑर्गेनिक। अब इसको समझिए, देखिए क्या होता है कि जब भी आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं, मान लो किसी प्रोडक्ट के बारे में आपने सर्च करा, मान लो इस स्मार्ट वॉच आपने लिखा बेस्ट स्मार्ट वॉच 2022 कि 2022 की बेस्ट स्मार्ट वॉचेस कौन कौन सी है, तो वहां पे मान लो 5 वेबसाइट ओपन हो गई। अब 5 वेबसाइट हो गई तो कुल मिला के आप उनमें से एक दो टॉप की जो होंगी उनमें से जाके कोई ना कोई वॉच बाय कर लेंगे, तो इसको कहते हैं मार्केटिंग करना। तो अब इसमें क्या है कि वहां पे क्या होगा कि एक तो आपका एक सर्च इंजन काम करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO, यानी आपने कीवर्ड डाला बेस्ट स्मार्ट वॉचेज इन 2022 और वहां पे कुछ वेबसाइट्स आपके सामने आ गई, यानी उन वेबसाइट्स पर जो वेबसाइट पर जिन पर वॉच सेल हो रही थी वो कीवर्ड पर रैंक कर रही थी। तो ये तो होता है ऑर्गेनिक कि अगर आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं तो आप कुछ कीवर्ड्स पर अपनी वेबसाइट को रैंक करा देते हैं, या फिर जिस ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उस पर रैंक करा देते हैं। यानी कीवर्ड पर अगर कोई भी वेबसाइट आपकी रैंक करती है तो उसको हम ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं। इनऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं जो गूगल एड्स लगा के की जाती है, जैसे कई बार आपने देखा होगा, मान लो आपने यही डाला कि बेस्ट स्मार्ट वॉचेस 2022 डाला आपने, तो इसमें कुछ ऐसी वेबसाइट होंगी जो ऊपर आएंगी एक दो और वहां पे एड लिखा आएगा, यानी एडवर्टीजमेंट से लीड जनरेट करना होता है इनऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग। अब एडवर्टीजमेंट फ्री में नहीं होते, एडवर्टीजमेंट के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, तो जितना पैसा आपने खर्च किया उससे ज्यादा प्रॉफिट आपने प्रोडक्ट को सेल करके या सर्विस को सेल करके कमा लिया तो आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन गए। और अगर आपने पैसा खर्च ही नहीं किया, ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग है, आपने कुछ कीवर्ड्स पर अपनी वेबसाइट या अपने पेज को रैंक करा लिया, तो ये एक तरीके से आप एक अच्छे ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग करना सीख गए हैं। अब बात आती है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो यही है कि जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग में वर्क करोगे तो आपको कुछ कीवर्ड्स पर वेबसाइट्स को रैंक कराना पड़ेगा। कुछ कीवर्ड्स होंगे उन पर आपको रैंक कराना पड़ेगा, मतलब आपको SEO आना चाहिए, और ये गूगल का SEO आना चाहिए क्योंकि गूगल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इस मार्केट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। इसके अलावा दूसरा जो इसका पार्ट है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में तो दे ही दूंगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है, यानी आज के टाइम में सोशल मीडिया पर ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, तो वहां पर मार्केटिंग करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह सब हो गया, वहां पर मार्केट करके लीड जनरेट करना, तो उसको भी कहते हैं हम सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके अलावा तीसरी चीज आती है गूगल एड्स, आपको गूगल एड्स का काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए और फेसबुक एड्स का भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग इसका पार्ट है तो वहां पे फेसबुक एड्स भी आएगा और गूगल एड्स भी आएगा। तो यानी डिजिटल मार्केटिंग में आपको गूगल एड्स सीखना पड़ेगा ताकि आप एड लगा के इनऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल के जो ब्लॉग होते हैं, यानी कि जो ब्लॉगिंग होती है, ये भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपको वेबसाइट बनाना भी काफी अच्छे से आना चाहिए, और इसके अलावा आपको ऐप मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा ना एंड्रॉइड ऐप होती है या फिर iOS की जो ऐप होती है उनको जब हम उस पर कॉन्टेंट कंज्यूम करते हैं, ऐप को यूज करते हैं, तो वहां भी एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। इसके अलावा कई बार आपको मार्केटिंग के जरिए ईमेल भेजा जाता है, जिसको हम ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं, तो अपने पास ईमेल आएगा, मान लो इस घड़ी के बारे में इसको सेल करना है तो आपको मेल आएगा कि इस पर ये ऑफर चल रहा है, ये फीचर है, नई लॉन्च हुई है, तो आप ताकि अट्रैक्ट हो सके उसको हम कहते हैं ईमेल मार्केटिंग, और वो भी डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। इसके बाद होती है एफिलिएट मार्केटिंग।
अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब यह है कि मान लो अमेजन पर कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है, वो प्रोडक्ट हमारा नहीं है, किसी दूसरे ब्रांड का, लेकिन अमेजन हमें अफिलिएट कमीशन देगा अगर वो हमारे लिंक के थ्रू सेल होता है। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जिन पर कंटेंट लिखा जाता है, जिसको हम कंटेंट मार्केटिंग भी बोलते हैं। कंटेंट लिखा जाता है और उन पर एफिलिएट लिंक्स लगाए जाते हैं। कंटेंट कंज्यूम करके जो लोग होते हैं, जो यूजर होते हैं, वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और आपको एज ए एफिलिएट कमीशन मिल जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में टोटल ये काम होते हैं, यानी आपको कुल मिला के लीड्स जनरेट करनी है अपनी सर्विस को सेल करने के लिए या फिर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और यही काम एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और उसमें आपको वेबसाइट बनाना, ब्लॉग करना, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब आती है। तो अब अगर आपके दिमाग में डिजिटल मार्केटिंग करने का मतलब अभी भी आ रहा है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करने का कोई कोर्स करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और उसमें क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। पैसे की बात कर लेते हैं, तो देखिए मान लीजिए आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर हो, आपका खुद का ही कोई प्रोडक्ट है, खुद की कोई सर्विस है, तो आप अपने बिजनेस को, अपनी सर्विस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं और पैसा अर्न कर सकते हैं और अनलिमिटेड कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर किसी ब्रांड के लिए काम करते हैं तो आप एज अ जॉब वहां पे काम कर सकते हैं, आपकी जितनी स्किल होगी उसके हिसाब से आपको पे आउट मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह के कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।